तो हम पहुंच गए हैं कालू सिद्ध मंदिर और प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया है और ये है एंट्रेंस। तो हम पहुंच गए हैं टपकेश्वर महादेव और यहाँ पर अभी ले रहे हैं प्रसाद। यहाँ से जाएंगे अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गिल्डियल फैमिली व्लॉग्स में। तो आज का प्लान ये है कि हम जाने वाले हैं कालू सिद्ध मंदिर और टपकेश्वर महादेव जो कि देहरादून में है, लेकिन सुबह से लगी हुई है बारिश इसलिए हम हो गए आज बहुत ज़्यादा लेट। तो अभी का टाइमिंग अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं यार, तो काफ़ी लेट हो गए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया, फिर इसी वजह से हमें लगा कि यार बारिश तो रुक नहीं रही है तो प्लान में चेंज करना पड़ेगा। सोच रहे थे चाचा के घर भी जाने की, तो देखते हैं अगर टाइम से उधर से आ पाए तो चाचा के घर भी चलेंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे। और कल्ली जो है इसको पता लग गया है कि हम जाने वाले हैं, तो यहाँ पर बैठ गई है कि भैया मुझे भी लेके जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो यार अभी बारिश रुकी हुई है तो अभी चलते हैं। मम्मी अभी यहाँ पर बंद कर रही हैं सब कुछ, फिर फटाफट चलते हैं और देखते हैं। तो अभी यार आधे रास्ते में पहुंचे हैं और यहाँ का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, दिल खुश ना हो जाए तो कहना है यार। फिर ये देखो, है ना शानदार। तो आज अपने जंगल सफारी के भी मजे ले लिए यार, पूरे पूरे देख रहे हो, प्रॉपर जंगल सवारी चल रही है आज अपनी, है अम्मी? हाँ, नहीं, बहुत ही सुंदर मस्त वाली जंगल सवारी चल रही है। जानवर तो हमने को नहीं दिख रहे कोई, लेकिन अपनी जंगल सवारी चल रही है, जैसे जंगलों में जाते हैं ना सवारी करने के लिए, तो वही जिम कॉर्बेट है और भी जगह है जहाँ, तो वैसे ही लग रहा है कि हम भी जंगल सफारी में निकले हुए हैं भाई। आज आगे चलते हैं फिर कालू सिद्ध मंदिर में, फिर वहां से व्यू दिखाऊंगा आपको। तो हम पहुंच गए हैं कालू सिद्ध मंदिर और प्रसाद हमने यहाँ से ले लिया है और ये है एंट्रेंस। तो चलते हैं ना पैदल पैदल, क्या है ये तो रहा बगल में, बारिश हो रही है लेकिन नहीं नहीं मम्मी कह रही है कि यार बारिश तेज हो रही है तो गाड़ी नीचे तक ले चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब आए हैं सावन के महीने में तो भीगते हुए ही जाएंगे। तो इधर से चलते हैं, ये है एंट्रेंस और इधर से बढ़िया यार, है ना, बिल्कुल जंगल के बीच में ऐसे बना हुआ है ना, तो काफी बढ़िया है। राइट, जय कालू सिद्ध बाबा। त्रेता युग में जब महर्षि अत्रि व माता सती अनसुईया के तप की परीक्षा लेने त्रिदेव पृथ्वी पर आए तो प्रसन्न होकर त्रिदेव ने एक ही बालक के रूप में माता अनसुईया के गर्भ में अवतार लिया और दत्तात्रेय नाम पड़ा। श्री दत्तात्रेय भगवान की विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। दत्तात्रेय जी ने जन कल्याण के लिए 84 शिष्य बनाए। ये शिष्य ही 84 सिद्ध हैं, जिसमें से 4 सिद्ध देहरादून जिले में स्थित हैं। इस स्थान पर श्री श्री कालू सिद्ध बाबा के शिव की तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की। यहाँ वे सच्चे मन से मांगी समस्या मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए कालू सिद्ध मंदिर में और पूजा भी पंडित जी ने बहुत अच्छे से करा दी है। अब हमारी गाय माता यहाँ पर आ गई हैं तो इनको भी प्रसाद दिया जाएगा। हमें प्रसाद दे देना, है ना, इनको भी दे दो, ये हमारा वेट कर रहे हैं प्रसाद का। तो आओ गाय माता, ओ मेरी गाय माता, लो जी लो प्रसाद, दो प्रसाद खाओ जी पहले। दूसरी वाली नहीं आ रही, उसको नहीं चाहिए प्रसाद, बस बेटा बस बहुत है, दूसरी वाली को चाहिए। ए मारनी ना, प्रसाद तो दे दिया मैंने तेरे को, फोन खाएगी क्या मेरा, ये तो फोन खाने के लिए तैयार हो रही। देखो देखो देखो, तो इसको तो प्यार चाहिए होता है इनको, ये देख देख मारने भी ऐसे कर रही है और खा भी लिया उसने। तो अभी लोग और भी हैं यहाँ पे, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये है माता काली का मंदिर, ये है, और बाहर अभी झुरझुर 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 बारिश लगी हुई है यार, इसको देखना जरा, देख रहे हो बाहर। और मैं दिखाता हूँ यार कालू सिद्ध मंदिर से यहाँ पे व्यू आपको बेहतरीन वाला। चला जाए, गाय माता आ गई फिर खाने के लिए। तो
तो अभी निकल पड़े हैं टपकेश्वर महादेव के लिए, और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम चलते हैं जी। तो चला जाए, और उत्तराखंड के नजारे इतने शानदार है ना कि ना पूछो यार, ग्रीनरी से भरा पड़ा है उत्तराखंड पूरा पूरा, देख रहे हो बरसात है, बरसात। और ये कर्मचारी कुछ लगे हुए हैं जो कि ये अगल बगल की सफाई कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे पूरा इन्होंने सब साफ कर दिया, जंगल है ना, तो सही है। इधर हो सकता है कि जानवर भी आते हों, मे भी, मुझे पता नहीं है। तो हाथी वगैरह आते होंगे। अच्छा आते हैं, ओके ओके, तभी ये लोग इधर का इलाका साफ कर रहे हैं ताकि रोड वोड थोड़ी सही रहे। लेकिन देख रहे हो क्या शानदार है यार, ग्रीनरी से भरा हुआ है पूरा पूरा है, पूरी जंगल सफारी चल रही है हमारी आज, मजेदार। तो चलो भगवान के दर्शन करते हैं, अब चलते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं यार, नजारे और भी शानदार होते जा रहे हैं, देख रहे हो क्या प्यारा व्यू है, नहीं जैसे पोस्टर में नहीं देखते, सेम वैसे नहीं है, शानदार। दोनों तरफ ऐसे मतलब पेड़ वेड़ है, और इस तरफ नीचे अपना चल रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ है और नीचे अपनी रोड चल रही है, तो काफी शानदार वो है, रामनगर डांडा मसूरी। अच्छा हमें नीचे जाना है, लेकिन ये सीधा चाचा के घर का रास्ता है मुझे लग रहा है ये। चलो गुड है यार, लेकिन बहुत ही शानदार है यार, मजा आ गया। तो देखो यार हम धीरे धीरे पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना, व्यू कितने शानदार शानदार आ रहे हैं ना आगे, मतलब मैं जो आंखों से देख रहा हूँ ना, वो इस पे कैमरे पे बयान नहीं हो पाएगा यार, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो हम पहुंच गए हैं टपकेश्वर महादेव, और यहां पर अभी ले रहे हैं प्रसाद, यहां से जाएंगे अंदर। तो चलते हैं, भगवान की भक्ति में लीन है हम आज, तो अब टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो ये है यार मंदिर की एंट्रेंस, भगवान श्री टपकेश्वर महादेव, तो यहाँ से एंट्री, यहाँ से चलते हैं नीचे। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर दृश्य अपने को देखने को मिल रहा है यार मंदिर का, बहुत ही प्यारा। चलो धीरे धीरे मम्मी और मैं चल रहे हैं नीचे, काफ़ी ऊंचा है यार इधर से ना, सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो ऊपर आज जाते हुए थोड़ा सा लगेगा, लेकिन चलो कोई नहीं। हर हर महादेव, क्या हुआ गिरने का लग रहा है थोड़ा थोड़ा, कीचड़ कीचड़ नहीं है मतलब, तो गीला हो गया ना बारिश की वजह से, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हम फिसल सकते हैं, लेकिन चलो गुड है। यहाँ से एंट्री, ऊपर वाला मेन था, फिर उसके बाद अब ये है, और नीचे यहाँ देखो, ये देख रहे हो नीचे कितना पानी आ रखा है यार, भयंकर है। जय वीर हनुमान, जय वीर हनुमान। चलो तो यहाँ से चला जाए अंदर। देखो यार कितना तेज बहाव है, भयंकर वाला ना, और बरसात फिर शुरू हो गई यार, बरसात से सुबह से परेशान है, बरसात तो लगातार हो ही पड़ी, अब क्या ही करा जाए। चलो ठीक है कोई नहीं, बरसात चलती रहेगी, लेकिन हम भी भगवान के दर्शन करते चल जाएंगे। बरसात का पानी, यह स्थान देवताओं का रहने, इस गुफा में देवतागण भगवान शिव की जी ध्यान लगाया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई, भूमार्ग से प्रकट होकर भगवान शिव की देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। देवताओं के बाद ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की, उसी समय महाभारत काल के महान धनुर्वेदाचार्य कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य की विश्व विख्यात तपस्वी श्री टपकेश्वर महादेव एक महान तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान शंकर ने अनेक बार अद्भुत दर्शन देकर श्रद्धालुओं और भक्तों का कल्याण किया। मंदिर आदि अनादि काल से है। शिवलिंग का वर्णन देवेश्वर व टपकेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से स्कंद पुराण केदार खंड में उल्लेखित है। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य जी को तपस्या के बाद धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त हुआ।
तब से यह नगर के परिसर द्रोण नगरी के नाम से जाना जाने लगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने इसी गुफा में दूध हेतु भगवान शिव की एक पांव में खड़े होकर 6 मास तपस्या की। पूर्णमासी के दिन तपस्या पूर्ण हुई और लिंग पर दूध की धारा बहने लगी और भगवान के चरणों में दूध ग्रहण किया और अपनी भूख प्यास मिटाई और उसी क्षण भगवान शंकर ने अजर अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। कलयुग के लगते दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना, दूध पानी के रूप में बदल गया। तब से लेकर आज तक जल की बूंदें टपकती हैं। वर्तमान में भक्त लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करके मनोकामना अनुसार फल पाते हैं। तो अब चल रहे हैं यार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से एंट्रेंस है हमारी। चलो यार, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो यार अभी हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हो, कितनी बढ़िया लग रही है, शानदार। और यार बड़ा ही शांत लग रहा है यहाँ पर आकर के यार, मन बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से कल कल करती हुई नदी है, क्या है पता नहीं, लेकिन बहुत ही सही लग रही है यार, ये भी मस्त देख रहे हो कितनी तेज आवाज आ रही है। चलो अब चलते हैं ऊपर वाले मंदिर पे। यहाँ मिल गए यार एली के दोस्त, ये देखो, और ये भी बैठे हैं यहाँ पे, मस्त बढ़िया। जय माता की। तो माता जी कैसा रहा आपका आज का टूर? अपने आप ही पानी टपक रहा है, तो कुछ तो भगवान की माया है, चल रही है, सही है। और इधर के नज़ारे वाकई में, उत्तराखंड में आओ तो नज़ारों तो मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं यार, और पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई है। और वैष्णो माता देवी के जो गुफा है ना, उसमें भी हम होकर के आ गए, वहाँ पर भी हमने पूजा प्रार्थना कर ली है। और अब चलने का समय आ गया, अब चलते हैं। तो कहाँ चलना है, चाचा के चलें फिर अभी, है ना? तो चाचा के चलते हैं, थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो बात तो हुई नहीं हमारी, तो देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो चलो, हाँ ऐसा करेंगे, बीच में ढाबे वाबे पे खाना खाते हैं, आज बहुत दिन हो गए ढाबे का खाना खाए, तंदूरी रोटी खाते हैं। हाँ ठीक है, तो परेशान करो, हाँ नहीं ठीक है, तो खाना वाना खा के फिर चलेंगे चाचा के घर, तो सही है। तो अब चल रहे हैं यार ऊपर, और यहाँ पर हैं खूब सारी सीढ़ियाँ, ये देखो है ना, अब स्टेमिना चेक हो जाएगा, क्या हालत खराब ऊपर चढ़ने में। चलो जी चलो, हो ही नहीं, चढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या हो बाबा की। तो अभी आ गए हैं तुलसी भोजनालय में खाना खाने के लिए, और दाल मखनी और पनीर ऑर्डर किया है, तो खाना खाते हैं जी। भूख लगी यार अब, है ना, मुझे भी बहुत भयंकर भूख लग गई है। और भैया इतनी जल्दी खाना लिया है ना कि ना पूछो यार, बहुत ही बढ़िया, मस्त मज़ा आ गया। तो फटाफट खाना खाते हैं यार और फिर चलेंगे फिर आगे। तो भोजन अपना हो चुका है यार, बढ़िया तुलसी ढाबे पे हमने खाना खाया, तो बढ़िया था खाना यार, ठीक था, मतलब नॉर्मल जैसे ढाबों के खाने रहते हैं तो उस हिसाब से सही था खाना। तो चलो अब चलते हैं, अभी हम इस रायपुर रोड पर हैं यहाँ पर, अब चलते हैं इधर से आगे। तो अभी पहुँचने वाले हैं चाचा जी के घर, और यहाँ से व्यू देख रहे हो, सामने मसूरी दिख रहा है यार, वाओ। देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है ना, ये देखो ये सब मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, और मसूरी की वहाँ पे काफ़ी घर और बाकी ऐसे जैसे कंस्ट्रक्शन जैसे रहती है ना बनी हुई, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो चलो बढ़िया है यार, यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार है, तो चलो चलते हैं चाचा जी के घर। ढूंढ रहा हूँ अभी भूल गया, थोड़ा सा भूल गया कि कहाँ पर है, लेकिन चलो मिल जाएगा। तो बस यार अभी पहुँच गए हैं चाचा जी के घर। चलो जी चलो, प्रणाम चाचा जी। तो चाचा के घर के ऊपर छत पे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ चल रही है सत्संग चल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर यार ये कुछ एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी टाइप खोला है किसी ने, तो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो
बास्केटबॉल की, यहाँ चल रही है बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। और यहाँ से पहाड़ और भी ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं यार, मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो पहाड़ और ज़्यादा पास आ चुके हैं। यहाँ से व्यू और भी शानदार है, बढ़िया। तो बस यही है यहाँ पर, फुल एंजॉय। और बादल तो एज यूजुअल आजकल पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। यही है यार बस, अपना यहाँ पर आए थे, थोड़ा रेस्ट किया, बातें हुई, मज़ा आया। अब देखेंगे थोड़ी देर में फिर चलेंगे घर। तो आज का प्लान यार अभी चेंज हो गया है, तो अभी रुक रहे हैं चाचा जी के घर में ही, और खाना पीना यहीं बनाया जाएगा और यहीं खाया जाएगा आज। तो आज बहुत सारी बातें चल रही है ना, तो मन कर गया कि आज यहीं रुक जाते हैं। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, अब मैंने दिखाया था ना दिन में, तो अब मसूरी यहाँ से पूरा ऐसे दिखने लग गया है लाइटिंग। तो वही है कि जो नेकेड आई से देख पा रहा हूँ मैं ना, वो इसमें नहीं दिखा पा रहा। तो बस यही है यार, आज का दिन पूरा बहुत अच्छे से बीता। तो इस नोट पे इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Oh,